अवाम में खुश आमदेद, मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंगी। अवाम में आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर एतज़ाज़ अहसन। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की तरफ से कायदे हिजब इख्तलाफ हैं और पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सीनियर कानूनदान हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने बिलाखिर हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया जनाब। एतज़ाज़ अहसन साहब, आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो पिछले हफ्ते के वाकयात हैं, जिनमें कल ही मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मंसूब जो बयान है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्तकबिल के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन साथ ही कुछ और फैसले भी हुए हैं और कुछ और पेशरफ्तें भी हुई हैं, जिनमें अभी हाल ही में सेनेट में, जहां पर आप कायदे हिजब इख्तलाफ हैं, वहां पर आर्मी चीफ की उनके रुफका के साथ आमद हुई, जो कुछ उन्होंने कहा, और फिर पिछले हफ्ते ही जो अहम फैसले आए हैं जिनमें हुदैबिया केस का फैसला भी है और हाल ही में ऑरेंज ट्रेन का जो फैसला है वो भी हुआ है, उससे यहाँ पर कुछ लोग इस्लामाबाद में इस तरह की बातें करने लगे हैं कि शायद हुक्मरान जमात और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की डील हो गई है और जो माइनस नवाज शरीफ जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? नहीं, ये माइनस नवाज की कोशिश तो मुस्लिम लीग नून में और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी देर से है और बड़े तसलसल के साथ जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं, जो के बनना चाहते हैं और जिनकी एम्बिशन ये है, मकसद वज़ीर आज़म बनना है, और उनके छोटे भाई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, इनके तो इरादे और इनके मकासद और इनकी ख्वाहिशात तो यही रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन जाए और मियां नवाज शरीफ को 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म हो चुके हैं, इनको अगर पीछे हटना पड़े तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है और कोई नुकसान की बात भी नहीं है, और ये कोशिश करते रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को समझाएं कि आप जारहाना पॉलिसी तर्क कर दें, आप और आपकी बेटी मरियम, और ये पॉलिसी जिसमें जारियत है उन लोगों ने जिन ने फैसला इनके खिलाफ़ लिखा और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने लिखवाया, यानी बड़े वादे अंदाज में अदलिया जिसने फैसला लिखा और फौज जिसने फैसला लिखवाया, ये इनके अपने अल्फाज हैं, मैं सिर्फ उनमें अदलिया और फौज के की तब्दीली कर रहा हूँ, पर उन्होंने लिखा, वो कहा कि ये फैसले लिखे कहीं जा रहे हैं, लिखवाया कोई और रहा है। तो ये तो इनकी बड़ी दीरीना ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नवाज की कि वो -1 कर दें, बल्कि -2, अब -2 मरियम नवाज भी माइनस हो जाए, लेकिन इसमें मसला सिर्फ यही है कि मैं समझता हूँ पॉलिसी नवाज शरीफ की ही चलेगी, वोट बैंक नवाज शरीफ के साथ है मुस्लिम लीग नवाज का, और वो छोड़ने को तैयार नहीं है नवाज को, और वो अगर किसी के पास जा सकता है तो वो मरियम नवाज के पास है, इस वक्त मरियम उसकी वारिस उस वोट बैंक की बनी हुई है, और ये अगर शहबाज शरीफ आते हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे या वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनको वही तसलसल रखना पड़ेगा जो नवाज शरीफ और मरियम की पॉलिसी है, इस्टेब्लिशमेंट की जानेब, अदलिया की जानेब, फौज की जानेब, वो पॉलिसी नहीं बदल सकेंगे, वो उनको वही जारियाना अंदाज रखना पड़ेगा जो उनके बड़े भाई का अंदाज है।
ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نواز شریف مائنس نہیں ہوں گے، نہ نواز شریف نہ مریم۔ تو اعتزاز صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو برادر یوسف یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے بقول اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بقول آپ کے شہباز شریف بھی وہی پالیسی اپنائیں گے جو کہ بڑے بھائی کہیں گے یا مریم کی پالیسی ہے، تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ ایکسرسائز کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ پالیسی کیا ہے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے تحریک چلانی ہے عدلیہ کے خلاف، اور عدلیہ کے بذریعہ عدلیہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور کس بات پہ چلانی ہے؟ اس بات پہ چلانی ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اور کوئی اس میں براڈر وسیع تر ایشو یا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں عوامی معاملہ ہو، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اور نواز شریف اور مریم اس میں کمیٹڈ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کا جو ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک ہے ہی اس لیے ان کے ساتھ اب کہ وہ مظلوم بن کے، مظلومیت کی چادر اوڑھ کے وہ عوام کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور جو شہباز شریف نہیں کر سکتا، شہباز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر مرحلے پر چلا ہے، اور شہباز شریف نے تو نون لیگ کی وفاقی حکومت کے خلاف آپ دیکھیں اقدامات بھی کیے ہیں، کیونکہ جو خادم حسین رضوی کا دھرنا تھا اس سے پہلے مذاکرات، اس کے چلنے سے پہلے، لاہور سے نکلنے سے پہلے اس کے مذاکرات اور اس کے معاملات طے ہوئے شہباز شریف اور پنجاب حکومت کے ساتھ، یہ اس معاہدے میں درج ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، معاہدے میں ایک شک ہے کہ پنجاب حکومت کے ساتھ جتنے معاملات ہمارے طے ہو چکے ہیں جی جی، ان پر عمل درآمد ہوگا۔ وہ کون سے تھے؟ ان معاملات میں ایک معاملہ تو بڑا واضح ہے کہ پنجاب میں سے گزر کے، پنجاب پولیس کو چیرتے ہوئے گزر کے جی ٹی روڈ پہ وہ فیض آباد چوک پہ آ جائیں گے، اور ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے تک کوئی نہیں روکے گا، یعنی پنجاب کی انتظامیہ پنجاب کی طرف سے ان کو خیر باد تھی، ان کو ان کا خیر مقدم تھا یا ان کو راہداری دی جا رہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچو اور رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ معاملہ بھی طے ہوا ہوا تھا۔ دیگر معاملات جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا طے ہوا تھا، پر یہ ایک طے تھا، ایک یہ ضرور طے ہوا ہوگا جو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، ساری قوم نے سنا کہ کس جوش اور جذبے کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں، یا شاید وزیر اعظم نائل ہو چکے تھے، بہرحال نواز شریف پارٹی لیڈر کی موجودگی میں لاہور میں جس تم تراک کے ساتھ چیف منسٹر نے یہ سٹینڈ لیا کہ کابینہ سے اس کو نکالو، نکالا جائے، نکالو وزیر کو، نکالا جائے۔ اعتزاز صاحب، جس وزیر سے، اعتزاز صاحب، اگر آپ کے بیانیے کو مان لیا جائے کہ یہ ساری جو سازش ہے اس کا تانا بانا شہباز شریف صاحب نے ہی اس سارے کام کو کیا، تو پھر نواز شریف ان کو وزارت عظمیٰ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نواز شریف پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے اگر موومنٹ چلانی ہے اور لڑنا ہے جوڈیشری اور عدلیہ کے ساتھ اور ان کے خلاف، تو ان کو کوئی بیس تو چاہیے، ان کی بیس
वरना तो बेस उनके पास है नहीं, और वो बेस बुनियादी तौर पे पंजाब की हुकूमत होगी, पंजाब का इलाका होगा, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पंजाब की अफसरशाही होगी, पंजाब की पुलिस होगी। तो उनको तो इसलिए नामजद करना उनके लिए अपने मकासद के लिए मुनासिब है कि वो कहें कि जी शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे, और शहबाज शरीफ अगर उनके साथ नहीं चलेगा, उनकी इस तहरीक में उनका साथ नहीं देगा बतौर चीफ मिनिस्टर, अगर उसकी उनकी इस तहरीक में उनको उसी तरह राहदारी, महफूज राहदारी नहीं दी जाएगी उनके जुलूसों को, जिस तरह के खादिम हुसैन रिजवी के छोटे से जुलूस को दी गई, तो फिर नवाज शरीफ और भाई में सीरियस क्लैश हो जाएगा कि भाई मूवमेंट चला रहा होगा तहरीक, और छोटा भाई उसकी मुजामत कर रहा होगा उस मूवमेंट के खिलाफ। सो नवाज शरीफ के लिए ये कह देना बिल्कुल मुनासिब है, मौजू है इस वक्त, उनको उसको यही कहना चाहिए कि इसको मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ अगला, और ये बड़ी दयानत और बड़ी मैकियावेलियन सोच है, एक बड़ी सोची समझी बात है। वरना नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बन जा शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बन जाने से मरियम का बिल्कुल पत्ता कट जाता है। सही सही। फिर हमजा और सलमान आगे आते हैं, सही, और वो संभालते हैं क्राउन प्रिंस का दर्जा, जबकि इस वक्त मरियम खुद उम्मीदवार है, मरियम उम्मीदवार है वजारत उज़्मा की। तो ये बड़ी पेचीदा किस्म की पर बड़ी जो मूव है नवाज शरीफ की, सही, ये बड़ी उनके हक में, और इस इम्कान के जरिए कि वो मूवमेंट चलाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक मौजू चाल है। एजाज साहब, मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपके पास आते हैं। अवाम में एक बार फिर खुश आमदेद। एजाज अहसन साहब, अभी आपने जो नक्शा खींचा वो तो बिल्कुल एक रिवायती जो पैलेस इंट्रीग्स जिसको कहते हैं, महलाती साजिशें, वो उस तरह की बात लगती है। आप समझते हैं कि अब दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ ने तो 1985 से लेकर 2017 तक, अब 18 आ रहा है, हर साजिश में शरीक रहे हैं ये। और मियां नवाज शरीफ ने मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ, अपने वजीर आजम के खिलाफ साजिश की, आर्मी चीफ, अदलिया और इसहाक खान से मिलके। फिर इन्होंने 1990 का इलेक्शन रिग कराया, आईएसआई से, फौज से, जनरल असलम मिर्जा असलम बेग के साथ मिलके, और जनरल हमीद गुलाम इसहाक खान के से मिलके, और उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इन्होंने 95 लाख रुपया लिया है आईएसआई से इलेक्शन रिग करने का, और इलेक्शन रिग हुए, ये इलेक्शन रिग हुए 90 के, ये फैसला आया। फिर 90 के इलेक्शन के दौरान गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वजीर आजम थे, इनकी जमात के सरबराह थे, इन्होंने उनके खिलाफ साजिश की जनरल मिर्जा असलम बेग से और इसहाक खान से मिलके। और फिर जब ये वजीर आजम हुए एक मरतबा, दूसरी मरतबा जब वजीर आजम हुए,
तो इन्होंने अपनी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो कि अल्टरनेटिव मुतबादल वजीर आजम होती है या होता है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, उसके खिलाफ जजों पे दबाव डाल के मलिक कयूम के से शहबाज शरीफ ने सैफुर्रहमान ने इनके वकील वजीर कानून ने एतजाज अहसन साहब। लेकिन ये तो पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है और सियासी जमातों का जो किरदार है ख़ासतौर पर 90 के दहाई से, तो वो तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और इस हमाम में तो सभी नंगे हैं तमाम जमातें। नहीं भाई साहब, पीपल्स पार्टी को आप कभी नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने जजों को इस तरह फ़ोन करके और दबाव डाल के और ये कह के कि 7 साल सजा दो, वो कह रहा है जज कह रहा है नहीं 5 साल काफ़ी है, अच्छा जायदाद सारी जब्त करो, जायदाद मियां बीवी दोनों की सारी जब्त और 5 साल वो आपकी बात ठीक है, वो जस्टिस कयूम वाली बात आपकी दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने कब, पीपल्स पार्टी ने कौन सी अदालत पे हमला किया है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, वो दुरुस्त है, पार्टी ने वो दुरुस्त है आपकी बात, जस्टिस के खिलाफ साजिश की नहीं, तो आप तो कह रहे हैं ना ये सभी हो नहीं, लेकिन एक दूसरे मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरे को गैर मुस्तहकम करने में तो थोड़ा बहुत हिस्सा सभी जमातों का है आपकी जमात समेत। नहीं देखिए, एक होता है ऑपोजिशन का किरदार, ऑपोजिशन का किरदार हम करते हैं और फाल तौर पर करते हैं, एक होता है साजिश इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ। आप ये कह रहे हैं कि 93 में जब नवाज शरीफ को हटाया गया और दूसरी जो निगरान हुकूमत बनी उसमें पीपल्स पार्टी का इसा खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं था, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उस जो वो गवर्नमेंट भी थी उसमें असल बात तो एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी और फौज थी, उसके साथ तो हमारा कोई रब्ता नहीं था। और जुडिशरी ने उसी 26 मई 1993 को नवाज शरीफ की असेंबली को बहाल किया, दुरुस्त, और फिर जब 1997 में बेनजीर शहीद की असेंबली का फैसला दिया वही बुनियाद थी, दोनों में एक बुनियाद थी, एक में उन्होंने बहाल कर दी असेंबली, दूसरे में कहा कि असेंबली बहाल नहीं होगी। अदलिया के साथ तो मिला व मिलके नवाज शरीफ अदलिया और फौज के साथ मिलके हर मरहले पर मेमो गेट तक। एतजाज साहब वो ये मैं मुस्लिम लीग नून की का दिफा नहीं कर रहा और आपके जो इल्ज़ाम हैं वो बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हिस्सा हर एक का है, इसा खान के साथ पीपल्स पार्टी का कोई रबता नहीं था जब 93 में उनकी हुकूमत टूटी, फिर मिसा के जमहूरियत में आप आगे थे लेकिन साथ ही मुशरफ के साथ खुफिया मुजाकरात भी हो रहे थे, NRO भी हुआ, ये सब हम सब लोगों के सामने की बातें नहीं हैं। फिर पंजाब में जो गवर्नर राज सलमान तासीर साहब के ज़माने में हुआ वो क्या था? नहीं, NRO का जो है वो कौन सी किसके खिलाफ हुआ? वो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, नवाज शरीफ ने तो एडवांटेज लिया उसका। NRO के ना होता तो नवाज शरीफ ना आता ना वजीर आजम बनता चौथी तीसरी मरतबा। वो आपकी बात दुरुस्त है, एडवांटेज तो सभी ने लिया, MQM ने भी लिया, सब ने लिया एडवांटेज, ये सबके लिए था। लेकिन आपने मुखालफत की थी, तो खुद नवाज शरीफ ने तो खुद जनरल मुशरफ के साथ खुफिया मुजाकरात किए, दुरुस्त खुफिया साजिश की, वो जेल से 2000 की बात कर रहे हैं पहुंच गया, दुरुस्त कह रहे हैं आप, अपने बंदों को छोड़ के, अपने बंदों को जेलों में छोड़ के अपने खानदान को लेके चला गया, दुरुस्त। तो नवाज शरीफ ने तो कोई मौका के मतलब है मुशरफ के साथ मिलके भी साजिश की, मुशरफ के खिलाफ भी साजिश की, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस के साथ मिलके साजिश की, सजाद अली शाह के खिलाफ साजिश की, लेकिन इसमें अभी आप और खुद बचा रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, लेकिन आप देखें के तीन उनके लो लेवल के जो अफराद थे नून लीग के,
میاں منیر، طارق عزیز، اختر رسول، ان کو سزائیں ہو گئیں، اور اصلی جو بسوں میں لاد کے لانے والے تھے شہباز شریف اور میاں نواز شریف، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. قیوم والے کیس میں جہاں بی بی شہید کو انہوں نے سزا کروائی اور وہ ٹیپیں سپریم کورٹ میں چلیں، ٹھیک ہے، اس کیس میں ایک چیف جسٹس، ایک جج آف دی سپریم کورٹ اور دو جج ہائی کورٹ کے فارغ ہوئے، فارغ ہو گئے، ان کو ملازمتوں سے ہٹنا پڑا. لیکن نواز شریف جس کی ایما پہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور شہباز شریف جو خود ٹیلی فون کر رہا تھا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ ان میں وزن ہے اعتزاز صاحب، لیکن ابھی آپ جو عدلیہ کے کردار کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو کوئی بہت زیادہ سنہرا نہیں ہے. یعنی کل تک یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس پر آپ کس حد تک فخر کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے تو عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلائی افتخار چودھری صاحب کو آگے لے کر، اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے نظام عدل کے ساتھ، اس پر آپ کس حد تک فخر محسوس کر سکتے ہیں؟ فخر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے تحریک چلائی، ایک پیپلز موومنٹ بنائی، ایک میس موومنٹ، عوامی موومنٹ بنائی، اور ایسی عوامی موومنٹ بنی جو اس نے دو سال مارچ 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری معزول ہوا اور مارچ 2009 میں وہ بحال ہوا. تو پورے دو سال وہ موومنٹ چلی، میس موومنٹ تھی، عوام مطلب ہے 26 گھنٹے لگتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جانے کو، 24 گھنٹے لگے فیصل آباد جانے کو، 18 گھنٹے لگے اسلام آباد سے ایبٹ آباد جانے کو. عوام اس طرح موبلائز ہم نے کی ہوئی تھی، وہ بڑی عظیم تحریک تھی، لیکن اس سے نکلا کیا؟ اس سے نکلا کیا؟ ایک پتا نہیں ٹوٹا. ابھی سنیں آپ. تو نکلا کیا وہ بھی بتاؤں گا کیا نکلا، بتائیے. اتنی امپاورڈ جوڈیشری نکلی، اتنی. اب وہ جوڈیشری کوئی اچھے کام کرے افتخار محمد چودھری یا غلط کام کرے، وہ اس پہ دوش ہے. ہم نے جوڈیشری کو امپاور کرنا تھا، اس میں کانفیڈنس دینا تھا، وہ ہلی ہوئی تھی. 50 جج نکالے گئے تھے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے، ملٹری ڈکٹیٹر کو یونیفارم اتارنی پڑی، ملٹری ڈکٹیٹر کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہ سب کچھ اس موومنٹ کے ذریعے ہوا، اور وہ پیپلز وکٹری تھی. جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تو پیپل کو جتانا بڑا ضروری تھا. اب اس کے بعد اگر افتخار محمد چودھری پرسنل ایجنڈے پہ شروع، اعتزاز صاحب کہاں سے نہیں، پیپلز وکٹری کیسے ہو گئی؟ اعتزاز صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے امپاورڈ جوڈیشری کی، اس نے آ کر آپ کے پاکستان کی تاریخ کے پہلے متفقہ منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا ایک ایسے چارج پہ جس پہ آپ خود وکیل تھے، وہ کیسا فیصلہ تھا؟ اس کے بعد مسلسل جو سو موٹو جو لیے گئے وہ یہ اس کو امپاورڈ جوڈیشری کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی زیادتی ہے، اور آپ کی جانب سے زیادتی ہے. وکٹری اس موومنٹ کی ہوئی، اس موومنٹ کے اپنے مقاصد تھے. وہ جو چیف جسٹس آیا وہ بدقسمتی سے وہ اپنے ایک پرسنل ایجنڈے پہ چل پڑا. وہ اس کا موومنٹ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ وکلا کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں. اچھا، وکلا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، وکلا میں ایک عنصر متشدد وکلا کا ضرور آیا ہے، لیکن یہ کوئی 1% یا 1.5% ہے جو صاحب پہ جو زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے. اعتزاز صاحب، وہ جو پرتشدد جو رجحان آپ کے دور میں داخل ہوا وہ ابھی تک قوم بھگت رہی ہے ہر جگہ ہر روز. مرتضیٰ صاحب، آپ کا چہرہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، آپ تمسخر میں مجھے لگتا ہے بات الجھا رہے ہیں. دیکھیں، وکلا کی برادری جو ہے یہ ہر سال چاہے مارشل لا ہو چاہے جمہوریت ہو، 70 سال یہ ہر سال انتخابات کراتے ہیں، ہر سال یہ انتخابات کراتی ہے. ایک آدمی جیتتا ہے،
एक हारता है, एक पैनल जीतता है, एक पैनल हारता है, गले मिलते हैं, कोई इसमें तशद्दुद एक दफा तशद्दुद नहीं हुआ। सारे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। दुरुस्त, ये मुतशद्दद वकला ये बाई प्रोडक्ट है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, मुतकब्बर जज भी, पर सारे जज मुतकब्बर नहीं है, बड़े शाइस्ता मिजाज जज है, मेहनत करने वाले जज हैं, पर बीच में मुतकब्बर जज भी आ गए। एक मूवमेंट जो चली उसकी सक्सेस का लड़ाई हमने लड़ी, पत्थर हमने खाए, लाठियां हमने खाई, जजेस आराम से अपने घरों से बैठ के अदालत में आ गए, और जो छोटे जहन के थे वो मुतकब्बर हो गए, वो समझने शुरू हो गए कि अब हमें कोई हटा ही नहीं सकता यहां से, हमारे हम तो एक दफा डिक्टेटर ने हटाया और हम वापस आ गए। सही। तो ये उस मूवमेंट की सच्चाई और उस मूवमेंट की जो प्योरिटी है सही, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं आप कर सकते इन बातों से। एहतजाज साहब मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेना है, हम दोबारा हाजिर होते हैं। अवाम में एक बार फिर खुश आमदेद। एहतजाज साहब, हमारी जो बात थी, गुफ्तगू थी अदलिया की, वो ज़रा लंबी हो गई। मेरे ख्याल में हम आपके पास वापस लौट आएँ, क्योंकि मार्च में इंतखाबात हो रहे हैं सेनेट के, और गालिबन आपका जो टेन्योर है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ज़रा ये बताइए कि मुसाफिर जाएगा कहाँ, आपका क्या अपना ज़ाती क्या इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहूँगा इंशाल्लाह, और वकालत करूँगा। ये इम्कान नहीं है कि मैं मुंतखब हो जाऊँ सेनेट में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी तादाद नहीं है पंजाब असेंबली में कि हम इस वक्त कोई सीट ले सकें। सो पार्लियामेंट में बड़ा लंबा अरसा गुजरा है मेरा। 70 की दहाई में मैं सूबे की पार्लियामेंट में था, पंजाब की। दुरुस्त। उसके बाद 1988 से तकरीबन तसलसल के साथ, स्वाय वो जो मार्शल लॉ का अरसा था, मुशर्रफ ने जो लगाया मार्शल लॉ, दुरुस्त, मैं तकरीबन तसलसल से पार्लियामेंट में हूँ। लेकिन एहतजाज साहब एहतजाज साहब आपके कुछ और जो रफीक हैं वो सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए, जैसे रहमान मलिक हैं, जैसे फारूक नायक हैं, तो आपके इम्कानात नहीं हैं सिंध असेंबली से के जरिए दोबारा सेनेट में आने के? नहीं, मेरे इम्कानात नहीं है, ना मेरी कोई ख्वाहिश है इस मामले में। और 2018 के जो इंतखाबात हैं उसमें लड़ने का इरादा है कौमी असेंबली के लिए? वो इम्कानात हो सकते हैं, वो देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कोई अब से आज से कोई 6 दिन बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 10वीं बरसी आ रही है, तो ज़रा ये बताएं कि क्योंकि अभी आप अदलिया की और अदलिया के निज़ाम की तारीफ़ भी कर रहे थे, तो उनके बच्चों को तो इंसाफ नहीं मिला, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, तो इसमें अदलिया का कितना कसूर है, और आपकी अपनी जब हुकूमत थी और मौजूदा हुकूमत है उनका क्या कसूर है, कितना कसूर है? देखें, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल से शुरू करते हैं, वो तो खालिसतन अदलिया का कसूर था और साथ फौज का, जनरल ज़ियाउल्लाह और जो ट्रायल कोर्ट था लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस पे मुश्तमिल, जिसकी सरबराही मौलवी मुश्ताक हुसैन कर रहे थे और
शेख आफताब हुसैन थे उसमें, जकी उद्दीन पाल उसमें थे जी जी, और गुलबाज खान थे उसमें, जस्टिस गुलबाज खान। तो उस जज और करम इलाही चौहान साहब तो सुप्रीम कोर्ट में थे जी जी, वो उस बेंच में ने बिल्कुल खिलाफ कानून फैसला दिया, और भुट्टो साहब के खिलाफ एक कीना था चीफ जस्टिस को, मौलवी मुश्ताक को कि उन्होंने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया था और असलम रियाज हुसैन को बना दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो 9 जज थे, 9 में से 7 रह गए, 2 रिटायर हो गए, 9 में से 7 रह गए, 7 में से 4 ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा तजवीज़ की, 3 ने ये नहीं कहा कि मुल्ज़िम मुजरिम है और इसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए जी जी। उन्होंने कहा ये सिरे से मुल्ज़िम मुजरिम ही नहीं है, इस पे साबित ही नहीं हुआ जुर्म। तो एक स्प्लिट वर्डिक्ट पे सर वो उस वक्त दे देना साहब, उस वक्त जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी जब हुकूमत थी पिछली तो उसमें भी एक नज़रसानी दरख्वास्त की गई, तो वो जिसको आप एम्पावर्ड जुडिशरी कह रहे हैं जो जिसमें आपका भी किरदार था, उन्होंने भी तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिया। बेनज़ीर भुट्टो को भी कोई इंसाफ नहीं मिला, उन जिन पर इल्ज़ाम है वो बाहर से बयान देते फिर रहे हैं, तो ये किस तरह का निज़ाम अदल है? भुट्टो साहब की जो केस में नज़र रिव्यू पिटिशन फाइल हुई नज़रसानी की दरख्वास्त, उस पर एक बेंच बना था 11 मेंबर बेंच, जिसमें मुझे मुआवन के तौर पे बुलाया गया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी। तो वो अभी पेंडिंग है। वो क्यों पेंडिंग है इत्तेज़ाज़ साहब? सरदार मोहम्मद चौधरी वो क्यों पेंडिंग है? बाकी जो मुकदमात हैं वो तो फौरन लग जाते हैं, वो क्यों पेंडिंग है? इसका जवाब हम किससे मांगे? नहीं, इसका जवाब तो अदलिया से ही मांगना पड़ेगा, पर हो सकता है ये उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो 11 मेंबर बेंच बना दिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। जाहिर है वो 4 जजेस से तो ज्यादा होना था, क्योंकि 4 जजेस का फैसला था। अब वो 11 जजेस का बेंच बनाना चीफ जस्टिस के लिए क्या उसमें दुश्वारियां हैं या नहीं है, वो इस सिलसिले में ये इंतजामी बात है, पर वो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, वो केस जल्दी ले आ जाना चाहिए। लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस साहब जिस तरीके से पब्लिक मकामात पर दिफा कर रहे हैं अदलिया का, और ये कहना कि कभी भी हम पर दबाव नहीं रहा और हम कभी किसी दबाव को नहीं मानते, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख यही कहती है जो वो फरमा रहे? ये तो नहीं नहीं ये तो मेरा ख्याल है गलत बात है, और तारीखी एतबार से जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार साकिब निसार साहब ने फरमाई है, तारीखी एतबार से उसको मेरा ख्याल है कोई भी नहीं मानता पाकिस्तान में, क्योंकि जस्टिस मुनीर से लेकर जिस जस्टिस मुनीर ने, आप सुनिए अल्फाज जो इस्तेमाल किए, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो कोई पिटिशन नहीं आई उनके पास जो वो करते, उस वक्त 1843 भी नहीं था, लेकिन एक केस क्रिमिनल केस था 200 वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस 200, वो क्रिमिनल केस था, वो सुन रहे थे आप, और मार्शल लॉ को लगे 2-3 दिन ही हुए थे, तो आपने उसमें ये फैसला कर दिया कि ये पॉइंट उठाया कि मार्शल लॉ लग गया, क्या हम अभी भी जज हैं कि नहीं, कि सारा सिस्टम बदल गया है, सारा आईन एब्रोगेट हो गया है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सिस्टम बदले कुछ नहीं, ए सक्सेसफुल कू डिटा, यानी एक कामयाब फौजी बगावत,
Fauji Baghawat, a successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government. MashaAllah. So, isko kaun accept kar sakta hai? Isko to mustarad kiya. Ab jo latest judgment hai 31 July 2009 ki, jo jab ye judge bahal ho gaye March 2009 mein, to inhone jo faisla diya wo sara sare martial laws ko galat qarar diya. Par 200 ke baad martial law lagaya jab Yahya Khan ne, to koi Supreme Court ki taraf se verdict nahi aaya. Jab Ziaul Haq ne lagaya aur Bhutto shaheed ko bhi giriftar kar liya, to Begum Nusrat Bhutto sahab Supreme Court gayi under 184(3) aur kaha ki ye martial law galat hai. Justice Anwarul Haq ne preside kiya, Chief Justice the, aur unhone kaha ki ye nazariya-e-zarurat ke tahat durust hai. اور ضیاء الحق کو اختیار ہے کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی کر لے اس کے بارے میں شریف الدین پیرزادہ صاحب ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس میں شریف الدین پیرزادہ صاحب کا اپنا کردار ہے وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ بھی میں پھر کسی وقت سنا دوں گا آپ کے پاس وہ اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں آپ نے پھر مارشل لاؤ کو ویلڈ قرار دے دیا پھر جب مشرف نے لگایا مارشل لاؤ آپ نے اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو ویلڈ قرار دیا پھر جب مشرف نے ختم ہو گیا چلا گیا اور آپ بحال ہوئے تو افتخار محمد چودری کی سربراہی میں اعتزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا عدلیہ کی جو تاریخ آپ بتا رہے تھے وہ تاریخ برقرار رہے گی وہ دہرائی جائے گی یا کوئی نئی تاریخ بنے گی اس کا فیصلہ بھی تاریخ نہیں کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجئے خدا حافظ